हमारे तमाम बहन भाइयों को अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो और अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क को मार में बरकत अता फरमाए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। रमज़ान अल मुबारक कैसा गुजर रहा है आपका? बस गुजारा या दवाइयां ने सिरा बटोरनी है। कोई करैला मरी गया निके निके बच्चे पाले वो अपने अपने घर मजदूरी लभनी फिर लभनी को नहीं इन्ना दिहाड़ियां च वेले बैठे नाजरीन अम्मा जी बेवा हैं और इनके जो बेटे हैं वो मजदूरी वगैरह करते हैं। किसी दिन उनको काम मिल जाता है और कभी उनको काम नहीं मिलता, क्योंकि पाकिस्तान में हालात ऐसे हैं कि इंसान को कभी काम मिलता और कभी नहीं मिलता। बच्चे बेरोजगारे भी देखो कोई आसान दवाइयां वो अपने ही नहीं खर्चे पूरे होने ने बेरोजगारे बैठे भी रोजगार थे आप होनी चाहिए तुम्हें कौन दे मारा कोई थे आए कोई माँ प्यो मरी ये मारा कोई आसरा ही कोई जी देने वाला थे आए कोई अल्लाह पला कर रहने ना देने वाले अल्लाह बहुत है। नाजरीन यहाँ के लोग ज़्यादातर सफ़ेद पोश हैं और हम किसी के लिबास और किसी के घर को देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो उनके रात ज़िंदगी कैसे गुजर रहे हैं, वो किस कदर मजबूर हैं और कैसी ज़िंदगी अपनी बसर कर रहे हैं। का जो दौर है इस मुश्किल घड़ी में हर इंसान मजबूर है, तो जिनके सर पर कोई नहीं होता है वो तो फिर आप समझ सकते हैं उनके हालात कैसे होते हैं। ठीक है, मैं आपको ये रमज़ान पैक कीजिए, ठीक है, इसमें फुल राशन पड़ा हुआ है महीने का और मैं आपको कैश भी देती हूँ जो सब की तरफ से आपके लिए आए। तो जितने भी देखने वाले आपकी मदद करते हैं ना उनके लिए बस बस दुआ कीजिए। अल्लाह देने वालों का कबूल मंजूर फरमाए जो माल हज करते हैं अल्लाह ताला की राह में, तो क्योंकि बहुत से लोग ऐसे मजबूर हैं जिनकी वजह से वो अफ्तारी कर रहे हैं और खाना वगैरह खा रहे हैं, तो उनकी दुआ भी उन्हें लगती है। मैं आपको कैश देती हूँ, ठीक है, 5000 रुपये आपके लिए कैश है। 5000 रुपये कबूल करें तो अल्लाह ताला सब कर दिया हुआ माल और हर जो देते हैं वो।